नमस्कार दोस्तों, टोटके मंत्रा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस यूट्यूब चैनल में और इस वीडियो में बात करेंगे खुद की शादी या सगाई कैसे तोड़ें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप खुद की शादी या सगाई को तोड़ना चाहते हैं तो दोस्तों, अगर आपने किसी से प्यार किया है और आप उसके साथ शादी करना चाहते हैं लेकिन आपके घर वाले उस शादी के लिए राजी नहीं हुए और आपके घर वालों ने आपका रिश्ता कहीं और तय कर दिया या तय होने वाला है, आपकी सगाई होने वाली है या हो चुकी है, अब शादी की डेट फिक्स हो चुकी है और आप इस शादी से खुश नहीं हैं, जबरन शादी से आप खुश नहीं हैं, आप उस इंसान के साथ शादी करना चाहते हैं जिसके साथ आपने जीने मरने के सपने देखे थे। तो दोस्तों देखिए, अगर आपने किसी से प्यार किया है तो मैं तो आपको यही राय दूंगा, अगर आपका प्यार सच्चा था, आपने वर्षों से एक साथ कस्में खाई हैं जीने मरने की, आपने एक दूसरे के लिए साथ दिया, तो आप शादी को तोड़ दीजिए अपनी और उसी इंसान के साथ अपनी शादी रचाएं। यदि आपका रिश्ता पक्का हो गया है या फिर सगाई हो गई है तो आप भी अपनी शादी रोकने के इस टोटके का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक ताज़ा नींबू लेना है, उसके ऊपर अपना नाम और जन्म तारीख लाल स्याही की मदद से लिख देनी है। अब आपने इस नींबू को लाल कपड़े में लपेटकर अपने सिर के ऊपर से 7 बार उसार देना है। इसके बाद यह नींबू रात को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाना है। सोने से के बाद आपने क्या करना है, सुबह उठना है, नींबू को छुपा कर रख देना है जहाँ पर किसी की नज़र न पड़े। 10 दिन के बाद आपकी शादी या सगाई टूट जाएगी, लेकिन ध्यान रखिए आपने 10 दिन तक हर रोज़ इस टोटके का प्रयोग करना है, हर रोज़ एक नया नींबू लेना है, नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, सिर के ऊपर से उतारना है, तकिए के नीचे रख कर सो जाना है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं अपनी खुद की शादी सगाई को तोड़ना तो वीडियो में जो टोटका बताया गया है उसका प्रयोग जरूर करें। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अधिक जानकारी के लिए कॉल करें। जल्द मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।